बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपको व्हिप करना सिखाऊंगी क्रीम को, कि क्रीम को किस तरह से व्हिप करते हैं और उसकी क्या पहचान है कि ये अच्छी सी व्हिप हो गई। तो केक के ऊपर भी यूज़ होती है, हर चीज़ के ऊपर यूज़ होती है आपको क्रीम। तो इसके लिए जो मैंने लिया है वो है फुल फैट क्रीम। फुल फैट क्रीम भी कहते हैं इसको, व्हिप क्रीम भी कहते हैं। आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं ये फुल फैट क्रीम। व्हिप क्रीम बहुत इजीली आपको हर स्टोर से, मार्केट से अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। इसके तरीका क्या क्या है, या तो आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप नीचे बर्फ़ का बाउल रखकर और उसके ऊपर एक और बाउल रखकर जिसके ऊपर आपने व्हिप करनी, आप उस हिसाब से भी व्हिप कर सकते हैं। दूसरा वेरी सिंपल तरीका जो मुझे बहुत आसानी लगती है जिससे व्हिप करनी क्रीम, वो ये है कि आपने जो आपकी क्रीम होनी चाहिए वो आपकी फ्रोजन होनी चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी आइस नज़र आ रही होगी आपको, ये थोड़ी सी आइस है, थोड़ी सी मेल्ट है। इस फॉर्म में अगर आपकी क्रीम होगी तो ये बहुत अच्छी व्हिप होगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक पर ने बड़ा सा थोड़ा सा बाउल ले लिया है और ये व्हिप क्रीम ये डाल दी। इसका टेक्सचर देखें, इसी टेक्सचर में होनी चाहिए, बहुत ठंडी होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं अगर आपको इसको थोड़ा सा मीठा करना हो। एक बीटर भी ले सकते हैं और आप विस्क भी ले सकते हैं। इसके साथ भी बीट कर सकते हैं, पर हैंड के साथ जब आप करेंगे तो आप बेटर यही है कि आप मशीन का यूज करें। तो ये मैंने मशीन ले ली है एक बीटर, उसके साथ मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक दो मिनट के लिए आपने 1 या 2 पे आपने सिर्फ इसको बीट करना है स्लो, फिर आप इसको फास्ट करेंगे। क्रीम आपकी बहुत अच्छी सी ठंडी होनी चाहिए। ये देखें, ये बीट हो रही है, अभी भी ये बीट नहीं हुई क्योंकि देखें थोड़ी सी मेल्ट फॉर्म में है। अभी आप इसको मजीद और बीट करेंगे। ये देखें फ्लफी होनी शुरू हो गई है, पर अभी भी देखें इसका टेक्सचर थोड़ा पतला है। अभी आपने इसको और बीट करना है। ये देखें बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म आ गई है, ये अब आपकी बीट हो गई है। इसकी पहचान के एक तो ये देखें किस तरह से फ्लफीनेस आपको नजर आ रहा है। ये देखें इसकी फ्लफीनेस देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसी तरह से इसको फॉर्म में होना चाहिए। और इसका एक और तरीका है चेक करने का, ये देखें अगर आप इसको स्पून को उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब है ये घिर नहीं रही, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट आपकी रेडी हो गई है व्हिप क्रीम। ये देखिए व्हिप क्रीम रेडी हो गई है। अब आप इसको किसी चीज में भी यूज करें, जबरदस्त सी व्हिप हो गई है, किसी चीज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएगा। और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स से। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।